चैनल आ रही चैनल बॉलीवुड कॉर्नर। तो भाई लोग हम बात करेंगे पुष्पा पार्ट टू के ग्लिम के बारे में, जो अभी अभी 4 बजे आई, मैंने रिएक्शन किया। तो नाम है उसका वेयर इज द पुष्पा। तो हाँ, ये बहुत बड़ी ग्लिम बनी है 3 मिनट के आसपास की, तो उस पर नहीं जाते पुष्पा। तो बात करते इस ग्लिम ने हमें क्या बताया। पुष्पा जो गोलियों से घायल हो चुका है, जिसे 8 गोलियां लगी है, पता नहीं किसने मारी, पर वो घायल हो चुका है। वो भाग चुका है जेल के अंदर से, एंड बाकी की जनता है वो उसके साथ खड़ी है, पता नहीं कैसे। लेकिन फर्स्ट पार्ट से अभी सेकेंड पार्ट में पुष्पा की बोलते ना यूनिवर्स में काफ़ी बड़ा टाइम जंप लिया। अब वो 6 महीने का लिया है या 1 साल का टाइम जंप लिया है, पता नहीं, क्योंकि उस ग्लिम से तो यही लग रहा है कि एक टाइम जंप तो हुआ है। तो अगर हम इसी ग्लिम के आधार पर कुछ चीज़ें देखें, तो पुष्पा एक ऐसा बंदा है जो गलत काम करके पैसा कमाता है, एंड वो फिर अच्छे कामों पे लगाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पुष्पा हीरो बन चुका है। अभी बोलते ना पॉप कल्चर जो हीरो एंड विलन के बीच का डिफरेंस दिखाता है, कि हीरो ऐसा बंदा होता है जो मार खाता रहता है लेकिन आखिर में मारता है, लेकिन विलन ऐसा बंदा होता है जो मारता रहता है लेकिन आखिर में मार खाता है। तो इसलिए विलन को ज़्यादातर आज के टाइम पर माना जाता है। तो उसी की तरह हम पुष्पा को देखें, तो पुष्पा को पूरी कंट्री मान रही है, एंड पुष्पा रूल कर रहा है, पर किस पर? इंडिया पर। और शायद से आगे जाके इंडिया के बाहर भी जाएगा रूल करने पुष्पा। तो पुष्पा का हंट किसने किया, ये सवाल तो है ही है। इसी के साथ साथ पुष्पा ने ऐसा क्या किया कि इतने सारे लोग पुष्पा के फैन बन चुके हैं, जो सरकार के खिलाफ जाकर पुष्पा के साथ खड़े हैं। तो ये चीज़ देखने की बात रहेगी। इसके अलावा अगर जो मुझे लग रहा है कि पुष्पा द रूल के अंदर जो ये ग्लिम्प वाली स्टोरी है ना, ये शायद से फिल्म ख़त्म होने के वक्त आएगी। शायद इसके थर्ड पार्ट के अनाउंसमेंट हो जाए। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इसके सेकंड पार्ट में हमें पुष्पा कैसे रूल करता है वो दिखाया जाएगा, और शायद पिक्चर ख़त्म होने के वक्त पुष्पा को गोली लगेगी, पुष्पा जेल से भाग जाएगा, एंड देन पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें पुष्पा जिंदा ये दिखाया जाएगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि ग्लिम के अंदर दिखाया है ना, ये प्रॉपर एक स्टोरी दिखाई कि पुष्पा भाग गया, पुष्पा मिल गया, पुष्पा जिंदा है। तो शायद ये पोस्ट क्रेडिट सीन हो पुष्पा टू का। तो मतलब मुझे जो लग रहा है वो यही है, और पुष्पा टू की स्टोरी कुछ और ही होगी, जिसके अंदर पुष्पा रूल करता है, पुष्पा को कौन मारता है, पुष्पा के अंदर के नए विलन्स, ये सारी चीज़ें। अगर आप ये पोस्टर देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा इस पोस्टर के अंदर ना पुष्पा ने एक साड़ी पहनी है, लाइक महाकाली, काली माँ का टाइप का रोल है, मतलब ऐसा लुक है पुष्पा का, लिंबू बिम्बू का हार है, एक प्रॉपर काली माँ का अवतार टाइप दिख रहा है पुष्पा का, हाथ में गन है। तो ये काफ़ी मतलब बोलते हैं ना कि डार्क टाइप, जैसे काली माँ वो गुस्से में आने के बाद किसी को देखती नहीं है, भगवान को ना शैतान को, वो सिर्फ मारते चली जाती है। उसी तरह से पुष्पा को प्रेजेंट किया जा रहा है हमारे सामने, ही इज़ नॉट अ गुड, ही इज़ नॉट अ ईवल, ही इज़ द पुष्पा। और यही है पुष्पा, और आप सबको भी ये समझना चाहिए पुष्पा कोई हीरो नहीं, पुष्पा विलन है। और इसके मेकर्स भी हमें वैसे ही दिखा रहे, आई होप सो। बाकी मुझे टीज़र ठीक लगा, मैंने कुछ चीज़ें देखी तो वो आपको बता रहा हूँ, पर मैं सोच रहा था उस तरह का बवाल टीज़र नहीं था, ठीक ही है। मतलब देखते हैं इसका आगे जाके टीज़र या ट्रेलर आएगा तब क्या होता है, ये तो सिर्फ एक ग्लिम्प है। और मुझे जो लग रहा है वो पुष्पा के पार्ट टू का पोस्ट क्रेडिट सीन टाइप है ये। बाकी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय बाय और जय हिंद।